सम्मान सांसद को जिसको 20 लाख लोगों ने वोट डाल करके चुना है, लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आया है, उसको मुल्ला कटमुल्ला आतंकवादी और तमाम तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है, सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार लोग नहीं बोलते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये सरकार के इशारे पर हो रहा है। और इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों को चाहिए कि वो लामबंद होकर के ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकें जो सरकार इस देश के शेड्यूल कास्ट के खिलाफ, शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, OBC समाज के खिलाफ है। ऐसी सरकार को इस देश के अंदर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या है। और सबसे बड़ी बात है कि इस भाषा का इस्तेमाल किया गया है। क्या कोई सभ्य पुरुष, भद्र पुरुष गली मोहल्ले में इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करता? अगर हम लोग गली में हमारे सामने वाले से, पड़ोसी से अगर हमारी लड़ाई हो जाए, तो मेरे जैसा व्यक्ति, मेरे सामने अगर कोई मुसलमान रहता है, मेरी गली में कोई मुसलमान रहता है, तो मैं शायद उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकूँ। लोकतंत्र में ऐसे ऐसे लोग, ऐसे जिनकी ऐसी भाषा है, गैर संवैधानिक, गैर पार्लियामेंट्री जिन लोगों की भाषा है, जो अपने साथी सांसद को, जिन एक सांसद को चुनने में 20 लाख लोग वोट करते हैं, औसत एक लोकसभा क्षेत्र में 20 लाख लोग वोट होते हैं, और जब 70% वोट होता है तो लगभग 14 लाख लोग वोटिंग करते हैं। उन 14 लाख लोगों के द्वारा चुने हुए, उन 20 लाख लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व को पार्लियामेंट के अंदर, नए संसद भवन के अंदर, इस प्रकार एक मुस्लिम सांसद को गाली देना, मुल्ला कटमुल्ला आतंकवादी, इसको बाहर निकालो, फेंको, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ ये BJP की तानाशाही है, मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र की हत्या है। और अभी तक उस सांसद पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार इससे पहले ब्रजभूषण को सरकार ने बचाने की कोशिश की है। अभी वो इस मामले में भी ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं, जबकि चाहिए ये था कि तत्काल प्रभाव से रमेश बुदुड़ी, जो दक्षिण दिल्ली से सांसद हैं, उनको पार्लियामेंट, उनकी सदस्यता खत्म करनी चाहिए थी, उनको पार्लियामेंट से बाहर करना चाहिए था। जब इस देश के अंदर राहुल गांधी अपने भाषण में एक मोदी सरनेम को लेकर के कोई टिप्पणी कर देते हैं, तो उनकी सदस्यता भंग कर दी जाती है, 8 साल तक चुनाव लड़ने की उन पर पाबंदी लगा दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक सीनियर सांसद को, दानिश अली को, BJP का सांसद रमेश बुदुड़ी, तो आप अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल करता है, गली मोहल्ले टपोरी वाली भाषा का इस्तेमाल करता है, और BJP खामोशी के साथ में खड़े होकर के तमाशा देखती रहती है। इससे ये सिद्ध होता है कि BJP के लिए ना तो लोकतंत्र महत्वपूर्ण है, ना संविधान महत्वपूर्ण है। और ये जो नया संविधान आया है, नया संसद आया है, जिसमें मोदी जी ने कहा कि नया संसद नया सवेरा, नई बातें होंगी, तो शायद अब मुझे लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की अग्रसर ये लोग हो रहे हैं। इसी प्रकार मुसलमानों को इस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं कि जब आपसे पहले रोड पर मॉब लिंचिंग होती थी, अब पार्लियामेंट के अंदर भी अगर मॉब लिंचिंग होने लगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक तरफ देखा जाता है कि विपक्ष अगर सवाल करता है तो उनका सदस्यता रद्द कर दी जाती है, यहाँ सत्ता में सत्ताधीन है वो सांसद जी, उनको कोई कार्रवाई नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने वही बात दोहराई, मैं फिर उसको रिपीट कर देता हूँ कि अगर रमेश बिधूड़ी पर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करने पर, मैंने कहा ये अकेले दानिश अली का मामला नहीं है, ये अकेले दानिश अली की बेइज्जती नहीं है, ये उन 20 लाख वोटर्स की बेइज्जती है जिन्होंने दानिश अली को चुना है। ये लोकतंत्र का मजाक है, ये डेमोक्रेसी का मजाक है। आप क्या समझ रहे हो कि वो 20 लाख लोग वोट जो सुबह खाली पेट लाइन में लगते हैं और वोट डालने के 6 बजे तक लाइन में लग कर के एक एक आदमी वोट डालता है, उस आदमी से पूछे कि लोकतंत्र का क्या महत्व है? जिस आदमी को वो चुन रहा है, वो जो 20 लाख आदमी जिन्होंने दानिश अली को चुना, क्या उनसे वो उनकी नज़र में दानिश अली आतंकवादी है? उनकी नज़र में दानिश अली जो है वो उग्रवादी है? उनकी नज़र में दानिश अली जो है वो मुल्ला कटमुल्ला है? इसलिए उसको चुन करके भेजा था 20 लाख लोगों ने, कि आप कहेंगे सदन में खड़े होकर के ये मुल्ला है, कटमुल्ला है, और ये क्या नाम है, आतंकवादी है, इसको चुप करिए, इसको सदन से उठा करके बाहर फेंकिए। तुम्हारी बदमाशी चल रही है, तुम्हारी दादागिरी चल रही है, लोकतंत्र का मजाक बना कर रखा है इन लोगों ने। ये लोग नहीं चाहते इस देश के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सदन में बोलें, वो अच्छे कपड़े पहने, जिस प्रकार से शेड्यूल कास्ट के लोगों के, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों के लोगों के मुँह पर पेशाब किया जा रहा है, उनके अच्छे कपड़े पहनने पर उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उनकी मूछें रखने पर उनकी हत्याएं की जा रही हैं, घोड़ी पर चढ़ने पर उनकी हत्याएं की जा रही हैं, मुसलमानों की गाय के नाम पर मॉबलिंग की लिंचिंग की जा रही है, अब सदन में जिस प्रकार का बर्ताव किया जा रहा है, ये नशे में चूर हो गए हिंदूवादी लोग। ये RSS और RSS के तमाम जो हिंदूवादी संगठन हैं, इनके लिए ना संविधान मायने रखता है, ना देश मायने रखता है, ना देश का लोकतंत्र मायने रखता है। इन्होंने मजाक बना के रखा है। ये चाहते हैं कि देश इनके इशारे पर चले, कि इस देश में सिर्फ एक मजहब, एक जाति, एक संप्रदाय के लोग रहें, जो भारतीय संविधान की खूबसूरती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये उस लाइन को नष्ट कर देना चाहते हैं। और ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इस देश के अंदर उनकी तानाशाही, उनकी बदमाशी चले, जो संभव नहीं है। अब मैं यहाँ एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ आपके तमाम चाहे मीडिया वालों से, कि इस देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब,
ओबीसी माइनॉरिटी को समझ लेना चाहिए कि देश के अंदर जो वर्तमान सरकार रूल कर रही है, जो अब 2024 में चुनाव होने वाला है, तुम्हारी गर्दन दबा रखी है उन लोगों ने। ये लोग मोदी जी की आंख के नीचे बैठ करके, भागवत जी की बगल के नीचे बैठ करके जो देश भर में रूल कर रहे हैं, जो सरकार चला रहे हैं, इनके नुमाइंदे तुम्हें आतंकवादी, भगोड़ा और क्या नाम है, तमाम अपशब्दों का प्रयोग करते हैं सदन में, और प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट तक नहीं आता है। जबकि एक खिलाड़ी की उंगली में चोट लग जाए तो प्रधानमंत्री जी को रात भर नींद नहीं आती है। वहीं दूसरी तरफ एक सम्मानित सांसद को, जिसको 20 लाख लोगों ने वोट डाल करके चुना है, लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आया है, उसको मुल्ला कटमुल्ला आतंकवादी और तमाम तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार लोग नहीं बोलते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये सरकार के इशारे पर हो रहा है। और इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों को चाहिए कि वो लामबंद होकर के ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकें जो सरकार इस देश के शेड्यूल कास्ट के खिलाफ, शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, ओबीसी समाज के खिलाफ है। ऐसी सरकार को इस देश के अंदर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास बीजेपी वाले करते हैं, और दूसरी तरफ जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके साथ ऐसा। आप जो कह रहे हो कि बीजेपी वाले कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये आपने गलत सुना है। उनका सही नारा ये है, अपना विकास अपने साथ। किसी के साथ उनका विकास नहीं। बताओ, तीन लोग हैं, चार लोग हैं, अडानी अम्बानी और अडानी अम्बानी दो उधर हो गए और अमित शाह और मोदी दो इधर हो गए। बताओ मुझे, अमित शाह के बेटे में कौन सी क्वालिटी थी जो वो क्या नाम है BCCI का चेयरमैन बना दिया अमित शाह का जैसा? बताओ तो सही, कौन सा कंपटीशन हुआ था? बताओ तो सही, कहाँ से वो टूर्नामेंट कौन सा खेल करके आए थे? ये वो वाला काम मुल्क भर में चल रहा है, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने दे। अब ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। मेनस्ट्रीम मीडिया जो बिक चुका है, मेनस्ट्रीम मीडिया जो किसी काम का नहीं बचा है, अखबार सच बोलने सच लिखने से डर रहा है, स्ट्रीम मीडिया सच बोलने से डर रहा है, ये ताकत है मेरी। मुझे खुद का भी ये भरोसा नहीं है कि कब मेरे साथ मॉब लिंचिंग हो जाए, कब मेरे साथ चलते मेरे घर वालों को मुझे रोड से खुरचना पड़े। इस दौर में, जिस दौर में इस एक रंग में इस मुल्क को रखने की कोशिश की जा रही हो, उस दौर में सच बोलना, उस दौर में संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करना, उस दौर में संविधान को बचाए रखना, उस दौर में लोकतंत्र की बात करना, मैं समझता हूँ बड़ी हिम्मत का काम है। और हम लोग, तमाम लोग, अगर आज दानिश अली के पक्ष में खड़े हैं तो इसलिए नहीं खड़े कि दानिश अली मेरा रिश्तेदार है या वो बहुजन समाज पार्टी का सांसद, हालांकि पार्टी को उसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए था। पार्टी उतनी ताकत से नहीं खड़ी हुई है BSP उसके साथ में, उससे बेहतर तरीके से कांग्रेस खड़ी है उसके साथ में। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि दानिश अली मेरा रिश्तेदार है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दानिश अली के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, वो गैर संवैधानिक है। और मेरे जैसे एक्टिविस्ट की जिम्मेदारी बनती है कि देश के अंदर किसी के भी साथ गलत हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सिद्धांत है समता, समानता और बंधुता, उसके आधार पर मुल्क चलेगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, उस आधार पर, भारतीय संविधान के आधार पर मुल्क चलेगा। ये जो मुट्ठी भर लोग इस देश को एक रंग में रंग देना चाहते हैं, ये जो मुट्ठी भर लोग इस देश पर एक तरीके का रंग, एक तरीके का झंडा फहरा देना चाहते हैं, इस तिरंगे को अपमानित कर रहे हैं, इस पार्लियामेंट को अपमानित कर रहे हैं और इस क्या नाम है संविधान को अपमानित कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर नहीं होती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 2024 में जहाँ से रमेश भिदुड़ी चुनाव जीत करके आए हैं, उसकी जनता को ये चाहिए कि ऐसे लोगों में सदन में वोट ना दिया जाए, ऐसे लोगों को हराना